वेलकम डियर ऑल। आज हम बात करेंगे कि आपने वीयू का अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कैसे करना है और उसकी रेफरेंस गाइडलाइंस क्या होंगी। देखें, सबसे पहले आपने अपनी प्रपोजल देनी है और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपने मुकम्मल करना है। उसके बाद आपकी सबमिशन होगी और आपका एक वाइवा होगा। ये तो मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको जो है ना, इसके मुख्तलिफ इसकी आएंगी असाइनमेंट्स, वो आपने देखनी है। सबसे पहले आपसे सबमिशन मांगेगा, जॉब कंफर्मेशन लेटर मांगेगा और प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट मांगेगा। और अब प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट में मैं वन बाय वन यार इसको नीचे लेके चलता हूँ। देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये हैं आपकी एक्टिविटीज, इस तरह से वो लेके चलेंगे, लेकिन एग्जैक्ट वो इसको नहीं फॉलो करते, ठीक है। वो अपनी मर्जी से इसकी डिफरेंट, हर इंस्ट्रक्टर की अपनी वो होती है, लेकिन ऑलमोस्ट फॉलो इन्हीं को किया जाता है, लेकिन असाइनमेंट्स ऊपर नीचे। सबसे पहले वो प्रपोजल कहेंगे, बताएंगे कि आप किस टॉपिक पे राइट अ प्रपोजल फॉर अ प्रोजेक्ट वेयर यू आर विच एवर यू हैव सेलेक्टेड, बताना है आपने, ठीक है। और अगर आपको वैलिड प्रपोजल चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अच्छा, अब ये जो प्रपोजल है ना, वो उसके अंदर आपने ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ठीक है। और ये उसका फॉर्मेट होगा प्रॉपर, उन्होंने हर चीज फॉर्मेट फॉर प्रपोजल जो है वो आपको ये दिया गया है, ठीक है। अगर आपके पास है तो फाइन, नहीं तो मुझसे मंगवा लीजिएगा। तो आपकी ये प्रपोजल होगी और अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की प्रपोजल में वही आपको कह रहा है कि आप बताएं जी कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोजेक्ट हैंडलिंग कैसे होगी, मेथोडोलॉजी क्या होगी, रिसर्च किस टाइप की आप यूज करेंगे और पार्टिसिपेंट्स कैसे होंगे, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे और एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक हो गया। अब ये तो वो है फॉर्मेट जो आप बिल्कुल ना एंड में जब आपके प्रोजेक्ट की सबमिशन होती है तो तब होती है। तो ये मेन चीजें हैं जो आपने प्रपोजल में देनी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस चीज पे आप करना चाह रहे हैं उसकी आप प्रपोजल अपनी बनाना शुरू कर दें और उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दें। बिल्कुल हम आपकी प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हेल्प करके मुझे अपना प्रोजेक्ट दे सकते हैं, तसल्ली बख्श आपका काम किया जाएगा। और अब देखिए, हमारी भी एक लिमिटेशन होती है प्रोजेक्ट्स लेने की, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एज सुन एज पॉसिबल इसको कर लें, ठीक है, हमसे अगर आप करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़। हम यूनासिर हूँ।